अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। ये अच्छी लग रही है। वैसे शादी तो तुम्हारी भी हो रही है पर तुम इतनी महंगी मेहंदी का डिजाइन अफोर्ड तो कर नहीं पाओगी। एक काम करो, जी भर के इसे ही देख लो। मैडम आप यू डिजाइन लगाने वाली हो? नहीं नहीं यू इतना अच्छा ना लगे है। अब चौहान खानदान के बहू रानी के इतने बुरे दिमाग है कि एक नौकरानी मेहंदी का स्टाइल बताएगी? वे क्लास ट्रेंड स्टाइल के बारे में पता ही क्या है? क्या जानती हो तुम? माफ करना मैडम, मैं तो इसलिए बोल रही थी क्योंकि आप बन्नी है, वो भी चौहान खानदान की, इसलिए आपकी मेहंदी तो कुछ अलग होनी चाहिए ना। जो सबने लगा रखा हो वो आपके हाथों पर शोभा ना देगा। अच्छा हाँ, यही बात तो चंद्रिका मैडम ने भी कही थी। लगता है ये लड़की चंद्रिका मैडम को काफी अच्छे से जानती है। बहुत दिमाग चलता ना तुम्हारा, अब हाथ भी चला कर दिखाओ जरा, हम भी तो देखें। तुम्हें सिर्फ कमियां निकालनी आती हैं या कुछ करना भी आता है? मैडम मैं तो लगा देती लेकिन मारे को रसोई में बहुत काम है। चौहान खानदान की होने वाली मालकिन के ऑर्डर से आज किचन से तुम्हारी छुट्टी। आ जाओ। यहाँ नहीं, अपनी जगह पर बैठो। हाथों पर नहीं, पैरों पे। कम से कम दिखाई तो नहीं देगा। तुम लोग हाथों पे स्टार्ट करो लगाना। मैडम इस लड़की से लगवाने की क्या जरूरत है, हम ही लगा देते हैं ना। मुझे मत सिखाओ, जितना बोला गया चुपचाप करो। क्या हुआ, पैरों में मेहंदी लगाने में शर्म आ रही है? मोगरा की वसुधा सोलंकी छोटा फील कर रही है? नहीं नहीं मैडम, आप भी कैसी बात कर रही हैं? इसमें शर्म वाली कौन सी बात है, आप हमारी देवी हुकुम की बहू हैं, इस घर की लक्ष्मी। आपके पैरों पर मेहंदी लगाना तो हमारा सौभाग्य है। भाई साहब आप दोनों भी कुछ नया कीजिए, कुछ ऐसा डिजाइन लगाइए जिससे हमारी राजस्थानी संस्कृति का पता चले, और जो कोई भी मेहंदी देखे ना वो यही पूछे कि किसने लगाई है किसने लगाई है। आखिरकार चौहान खानदान की होने वाली बहू है ये। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।